हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में स्पेलिंग टेस्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है, और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते ही आपको सभी वीडियोस की जो PDF होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और उसका पासवर्ड आपको चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके यूट्यूब के होम पेज पे मेंबरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा। तो इस मेंबरशिप सेक्शन में आपको सभी वीडियोस की जो PDF का पासवर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। और PDF फाइल के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट में आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और लास्ट में जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए, मैं सभी के कमेंट्स जो है रीड कर रहा हूं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको गलत स्पेलिंग बतानी है, तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो फेथफुली की स्पेलिंग होती है ये होती है FAITHFULLY, ये होती है फेथफुली की स्पेलिंग। आप सभी लोग देख लीजिए FAITHFULLY, फेथफुली। फेथफुली मीन्स होता है ईमानदारी, तो यहाँ पे इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फेथफुली की स्पेलिंग यहाँ पे गलत थी, आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिए। और ऑप्शन जो ए में दिया है अनरूली, तो अनरूली मीन्स होता है उपद्रवी या फिर अनियंत्रित। और ऑप्शन जो बी में दिया है अनड्यूली, तो अनड्यूली मीन्स होता है अत्यंत या फिर घबराहट। और ऑप्शन जो डी में दिया है ऑफुली, ऑफुली मीन्स होता है भय पूर्वक या फिर भय से। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फेथफुली की स्पेलिंग गलत थी, जिसमें गलत स्पेलिंग बतानी थी, तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी फेथफुली की FAITHFULLY, फेथफुली मीन्स होता है ईमानदारी। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी आपको गलत स्पेलिंग बतानी है, तो आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में जो है गलत स्पेलिंग है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंसियरली, की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे आप लोग जो है इसमें सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिंसियरली की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है ये क्या होती है, तो SINCERELY, ये होती है सिंसियरली की स्पेलिंग। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो ए आया है ये ए नहीं आना चाहिए, तो सिंसियरली की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए SINCERELY, सिंसियरली मीन्स होता है कि ईमानदारी से। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है बेगरली, तो बेगरली मीन्स होता है गरीब या फिर निर्धन। और ऑप्शन जो बी में दिया है जॉक्यूलरली, तो जॉक्यूलरली मीन्स होता है कि हास्यपूर्ण ढंग से। और ऑप्शन जो डी में दिया है पॉपुलरली, मीन्स होता है कि लोकप्रियता से। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें गलत स्पेलिंग आपको बतानी तो सिंसियरली की यहाँ पे स्पेलिंग गलत थी, तो यहाँ पे सिंसियरली की स्पेलिंग जो करेक्ट हो जाएगी SINCERELY, सिंसियरली की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, मतलब होता है ईमानदारी से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर एडवर्ब पे प्रैक्टिस सेट लाइए, तो मैं 3 से 4 दिन में आपको एडवर्ब पे भी प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। आप लोग चिंता मत करिएगा, मैं सबके कमेंट्स जो है रीड करता हूँ। आपके जो भी टॉपिक्स हैं आप कमेंट करिए, मैं उन पे जो है ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। मैं सब कमेंट्स को जो है रीड करता हूँ, बाकी मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा। मुझे वीडियोज़ के लिए कंटेंट भी बनाना होता है तो टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं कमेंट्स जो है ज़्यादातर मैं रीड कर लेता हूँ। तो आप लोग चिंता मत करिएगा, आपका जो भी टॉपिक्स है आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर जब भी टाइम मिलेगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी आपको गलत स्पेलिंग बतानी है, तो आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एम्बेसडर की स्पेलिंग जो है ये गलत है, तो एम्बेसडर की स्पेलिंग जो होती है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए AMBASSADOR, एम्बेसडर मीन्स होता है दूत। ऑप्शन जो ए में दिया है जुडिशरी, जुडिशरी मीन्स होता है कि न्यायतंत्र। ऑप्शन जो बी में दिया है वर्चुअल, मीन्स होता है आभासी।
और ऑप्शन जो डी में दिया है अप्रिशिएट, अप्रिशिएट मीन्स होता है कि प्रशंसा करना, तो यहाँ पे एम्बेसडर की स्पेलिंग गलत थी, तो एम्बेसडर की स्पेलिंग देख लीजिए AMBASSADOR, एम्बेसडर मीन्स होता है दूत। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको रॉन्गली स्पेल्ड बताना है, मतलब कि गलत स्पेलिंग बतानी है, तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत स्पेलिंग किस ऑप्शन में दी है, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोविडेंस की स्पेलिंग जो है गलत लिखी हुई है, प्रोविडेंस की जो स्पेलिंग सही होती है ये होती है PROVIDENCE, ये होती है प्रोविडेंस की सही स्पेलिंग। यहाँ पे जो ए आया है वहाँ पे ई आना चाहिए। प्रोविडेंस मीन्स होता है मित व्ययिता या फिर विधि, और ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है म्यूजिशियन, म्यूजिशियन मीन्स होता है संगीतकार। ऑप्शन जो सी में दिया है फिक्सेशन, फिक्सेशन मीन्स होता है निर्धारण। ऑप्शन जो डी में दिया है कॉन्सिक्वेंस, तो कॉन्सिक्वेंस मीन्स होता है परिणाम। तो यहाँ पे प्रोविडेंस की स्पेलिंग गलत थी, यहाँ पे जो है प्रोविडेंस की सही स्पेलिंग हो जाएगी PROVIDENCE। प्रोविडेंस मीन्स होता है विधि या फिर मित व्ययिता, तो यहाँ पे आप सभी लोग स्पेलिंग देख लीजिए। और ऑप्शन जो डी में दिया है कॉन्सिक्वेंस मीन्स होता है परिणाम, तो यहाँ पे इसकी स्पेलिंग गलत थी, यही स्पेलिंग आपको बतानी थी। यहाँ पे एक ही जगह आप ई कर लीजिए, स्पेलिंग हमारी करेक्ट हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें आपको गलत स्पेलिंग बतानी है, तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत स्पेलिंग ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया है, तो रिस्पेक्टफुल की जो स्पेलिंग है ये गलत है, तो रिस्पेक्टफुल की स्पेलिंग जो होती है RESPECTFUL, ये होती है रिस्पेक्टफुल की स्पेलिंग, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो रिस्पेक्टफुल मीन्स होता है विनीत, और यहाँ पे रिस्पेक्टफुल की स्पेलिंग जो है गलत दी हुई है, यहाँ पे FULL जो लिखा है यहाँ पे FUL होना चाहिए। और ऑप्शन जो ए में दिया है मिमिक, मिमिक मीन्स होता है कि नकली या फिर हंसाने वाला। और ऑप्शन जो सी में दिया है एस्टीम, एस्टीम मीन्स होता है कि आदर करना या फिर मान्यता देना। और ऑप्शन जो डी में दिया है सटाइल, सटाइल मीन्स होता है कि सूक्ष्म या फिर कोमल या फिर पतला, तो यहाँ पे सटाइल। और एस्टीम मीन्स होता है कि आदर करना या फिर मान्यता देना। ऑप्शन जो ए में दिया है मिमिक मीन्स होता है नकली या फिर हंसाने वाला। रिस्पेक्टफुल की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी आपको गलत स्पेलिंग बतानी है, तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए किस ऑप्शन में जो है गलत स्पेलिंग है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग जो है यहाँ पे गलत दी हुई है, तो एम्बैरेसमेंट की जो स्पेलिंग होती है ये क्या होती है, तो ये होती है EMBARRARSMENT, ये होती है एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जो लिखा है BAR, तो यहाँ पे BARR होना चाहिए, EMBARRARSMENT। एम्बैरेसमेंट मीन्स होता है शर्मिंदगी, तो स्पेलिंग आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, इसमें आपको गलत स्पेलिंग बतानी थी, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग एम्बैरेसमेंट की ये लिखी हुई है, जिसका अर्थ होता है शर्मिंदगी। और ऑप्शन जो ए में दिया है अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट मीन्स होता है कि घोषणा। और ऑप्शन जो बी में दिया है अंडरगारमेंट, अंडरगारमेंट मीन्स होता है कि जो नीचे पहनने वाले कपड़े होते हैं उसको बोलते हैं अंडरगारमेंट। ऑप्शन जो डी में दिया है रीसेटलमेंट, तो रीसेटलमेंट मीन्स होता है कि पुनर्वास या फिर पुनर्स्थापन। तो यहाँ पे एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग आप लोग यहाँ पे देख लीजिए EMBARRARSMENT, एम्बैरेसमेंट मीन्स होता है शर्मिंदगी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी आपको गलत स्पेलिंग बतानी है, तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत स्पेलिंग जो है, यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में जो है गलत स्पेलिंग नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये रॉन्ग क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो है कोई भी स्पेलिंग यहाँ पे गलत नहीं है, ये टाइपिंग में मिस्टेक की वजह से ऐसा हो गया है। तो आप सभी लोग सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले डी ऑप्शन में जो दिया है अकोमोडेट, तो अकोमोडेट मीन्स होता है समायोजित करना, अपने आप में स्पेलिंग करेक्ट है अकोमोडेट की। और एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल मीन्स होता है क्या, स्वीकार्य, तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल की भी स्पेलिंग करेक्ट है एकदम। और ऑप्शन जो बी में दिया है क्विजिज, तो क्विजिज मीन्स होता है प्रश्नोत्तरी। और ऑप्शन जो ए में दिया है बिगनिंग, तो बिगनिंग मीन्स होता है कि शुरुआत। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन हमारे जो है करेक्ट हैं, मतलब कि यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये गलत है, मतलब कि टाइपिंग में मिस्टेक है। तो यहाँ पे चारों स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, जब आपको चारों स्पेलिंग करेक्ट पता होंगी तभी आप जो है एरर उसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग सही कर लीजिए, यहाँ पे चारों स्पेलिंग करेक्ट हैं, ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है।
अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। तो डिसीव की स्पेलिंग जो होती है ये क्या होती है, तो डिसीव की स्पेलिंग होती है डी ई सी ई आई वी ई, ये होती है डिसीव की स्पेलिंग। अगर एग्जाम में आपके रिसीव पूछ ले आर ई सी ई आई वी ई, ये होती है रिसीव की स्पेलिंग और ये होती है डिसीव की स्पेलिंग। ये दो स्पेलिंग काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। तो डिसीव का मतलब होता है कि धोखा देना, और ऑप्शन जो ए में दिया है बिजनेस, तो बिजनेस मीन्स होता है व्यवसाय। ऑप्शन सी में दिया है डेजर्ट, तो डेजर्ट मीन्स होता है मिठाई। और एक दूसरा होता है डेजर्ट, आप सभी लोग याद रखिएगा, ये होता है ये डेजर्ट और एक होता है ये डेजर्ट। तो ये डेजर्ट जो है जिसमें डबल एस है, इसका मतलब होता है मिठाई, जो कि शाम को खाना खाने के बाद मतलब कि डिनर के बाद डेजर्ट खाते हैं, मतलब कि मिठाई खाते हैं। और ये डेजर्ट जो है ये होता है रेगिस्तान। दोनों स्पेलिंग आप लोग देखिएगा, दोनों अलग अलग स्पेलिंग है और दोनों का मतलब भी अलग अलग होता है। और ऑप्शन जो डी में दिया है फैटनिंग, फैटनिंग मींस होता है कि मेद या फिर मोटाई। तो यहां पे फैटनिंग मींस होता है मोटाई या फिर मेद। और यहां पे डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, और डेजर्ट मतलब होता है कि मिठाई, और बिजनेस मतलब होता है कि व्यवसाय। और डिसीव की स्पेलिंग आप लोग यहां पे देख लीजिए, डिसीव और रिसीव की सेम स्पेलिंग होती है लगभग, तो आप लोग अंतर देख लीजिए। एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहां पे डिसीव की स्पेलिंग देख लीजिए जिसका अर्थ होता है धोखा देना। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी आपको गलत स्पेलिंग बतानी है, तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गलत स्पेलिंग किस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो प्लेग की स्पेलिंग जो होती है ये क्या होती है, तो प्लेग की स्पेलिंग होती है पी एल ए क्यू यू ई, ये होती है प्लेग की स्पेलिंग। यहाँ पे सी नहीं आता है, तो प्लेग मतलब होता है कि पट्टिका या फिर फलक। तो यहाँ पे प्लेग की स्पेलिंग आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। और ऑप्शन जो बी में दिया है रोग, रोग की स्पेलिंग आर ओ जी यू ई, रोग मीन्स होता है दुष्ट। ऑप्शन जो सी में दिया है लेकर, लेकर मतलब होता है कि लाह लगाना या फिर लाख लगाना। और ऑप्शन जो डी में दिया है बुटीक, बुटीक मीन्स होता है झगड़ा या फिर जांच। तो यहाँ पे प्लेग की स्पेलिंग गलत दी हुई है, तो यहाँ पे इसको आप लोग सही कर लीजिए, यहाँ पे सी हटा देंगे, तो हमारी स्पेलिंग प्लेग की करेक्ट हो जाएगी, जिसका अर्थ होता है पट्टिका या फिर फलक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको सही स्पेलिंग बतानी है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन में जो है एक स्पेलिंग जो है करेक्ट है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इंटेंशन की स्पेलिंग जो दी हुई है ये अपने आप में सही है, बाकी तीनों स्पेलिंग जो है अपने आप में गलत हैं। तो इंटेंशन मतलब होता है इरादा, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन जो ए में दिया है इंजेक्शन, तो इंजेक्शन की जो स्पेलिंग होती है ये गलत दी हुई है। तो इंजेक्शन की स्पेलिंग क्या होती है, आई एन जे ई सी टी आई ओ एन, ये होती है इंजेक्शन की स्पेलिंग, आई एन जे ई सी टी आई ओ एन। इंजेक्शन मतलब होता है कि सुई। और ऑप्शन जो बी में दिया है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन की स्पेलिंग भी जो है यहाँ पे गलत दी हुई है। तो ट्रांजिशन की जो स्पेलिंग हो जाएगी करेक्ट ये क्या हो जाएगी, तो टी आर ए एन एस आई टी आई ओ एन, ये होती है ट्रांजिशन की स्पेलिंग करेक्ट। इसका मतलब होता है संक्रमण, यहाँ पे स्पेलिंग गलत दी हुई है। ट्रांजिशन की स्पेलिंग आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ट्रांजिशन की स्पेलिंग टी आर ए एन एस आई टी आई ओ एन, ट्रांजिशन मतलब होता है संक्रमण। और ऑप्शन जो डी में दिया है फैशन, तो फैशन की स्पेलिंग भी जो है अपने आप में गलत है। तो फैशन की स्पेलिंग होती है एफ ए एस एच आई ओ एन, ये होती है फैशन की करेक्ट स्पेलिंग, जिसका अर्थ होता है पहनावा। तो यहाँ पे ट्रांजिशन की स्पेलिंग मैंने करेक्ट बताई, इंजेक्शन की स्पेलिंग करेक्ट बताई, और फैशन की यहाँ पे आपको करेक्ट बताई है। और यहाँ पे पूछा था करेक्ट स्पेलिंग बताना था, तो यहाँ पे इंटेंशन की स्पेलिंग अपने आप में जो है करेक्ट है, जिसका अर्थ है इरादा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग जो दी हुई है ये दी है बिजनेस की। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिजनेस मतलब होता है व्यवसाय। ऑप्शन जो ए में दिया है मेंबा, तो मेंबा की स्पेलिंग जो होती है ये होती है एम ई एम ओ आई आर, ये होती है मेंबा की स्पेलिंग। मेंबा मीन्स होता है इतिहास, तो ये स्पेलिंग मेंबा की गलत होती है, एम ई एम ओ आई आर मेंबा, मेंबा मीन्स होता है इतिहास। और ऑप्शन जो सी में दिया है स्टूडियोज, तो स्टूडियोज की स्पेलिंग जो होती है ये क्या होती है, एस टी
UDIOS, ये होती है स्टूडियोज की स्पेलिंग, जिसका अर्थ होता है परिश्रमी। और ऑप्शन जो डी में दिया है रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट की स्पेलिंग जो करेक्ट होती है ये होती है RESTAURANT, ये होती है रेस्टोरेंट की करेक्ट स्पेलिंग। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिजनेस की यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग दी हुई थी व्यवसाय। और ऑप्शन जो ए में दिया है मेम्बा, मेम्बा की स्पेलिंग करेक्ट होती है MEMOIR, मेम्बा मीन्स होता है इतिहास। स्टूडियोज की स्पेलिंग जो है यहाँ पे गलत है, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए स्टूडियोज की। और यहाँ पे रेस्टोरेंट की भी स्पेलिंग यहाँ पे गलत दी हुई है, स्पेलिंग करेक्ट आप लोग देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, मतलब कि गलत स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सपोर्टर्स की जो स्पेलिंग है यहाँ पे गलत दी हुई है, तो सपोर्टर्स की स्पेलिंग जो होती है SUPPORTERS, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए SUPPORTERS, सपोर्टर्स मीन्स होता है समर्थक। तो यहाँ पे आप सभी लोग याद रखिएगा, सपोर्टर्स की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। यहाँ पे स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ये जो है आर है सपोर्टर्स, तो यहाँ पे सपोर्टर्स मतलब होता है समर्थकों। और ऑप्शन जो बी में दिया है इंक्लूजन, इंक्लूजन मीन्स होता है कि समावेश, तो इंक्लूजन की स्पेलिंग अपने आप में करेक्ट है। और एक्सेस, तो एक्सेस मतलब होता है अतिरिक्त या फिर फालतू। ऑप्शन जो डी में दिया है डिस्क्रिमिनेटरी, तो डिस्क्रिमिनेटरी मीन्स होता है कि भेदभावपूर्ण, तो यहाँ पे इसका सपोर्टर्स की स्पेलिंग यहाँ पे गलत दी हुई थी, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए SUPPORTERS, सपोर्टर्स। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी आपको गलत स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो टमल टूअर्स की जो स्पेलिंग है यहाँ पे गलत दी हुई है, तो टमल टूअर्स की स्पेलिंग जो होती है TUMULTUOUS, ये होती है टमल टूअर्स की स्पेलिंग TUMULTUOUS, टमल टूअर्स मीन्स होता है कि अशांति प्रिय। ऑप्शन जो ए में दिया है बेलिजरेंट, तो बेलिजरेंट मीन्स होता है कि लड़ाकू। ऑप्शन जो बी में दिया है फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल मीन्स होता है दवा। ऑप्शन जो डी में दिया है ट्रोस्यू, ट्रोस्यू मीन्स होता है दहेज या फिर दुल्हन का जो साज सम्मान होता है उसको बोलते हैं ट्रोसू। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ये स्पेलिंग अपने आप में गलत दी हुई है। तो टमल टूअर्स की स्पेलिंग आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जिसका अर्थ होता है अशांति प्रिय। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें आपको जो है करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग जो दी है ये किसकी दी है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। बिटनेस की स्पेलिंग जो है अपने आप में करेक्ट है, जिसका अर्थ होता है गवाह। ऑप्शन जो ए में दिया है वेल्थ, तो वेल्थ की स्पेलिंग जो होती है WELTH, ये होती है वेल्थ की स्पेलिंग, जिसका अर्थ होता है संपत्ति। ऑप्शन जो बी में दिया है विम्पर, तो विम्पर की स्पेलिंग जो होती है ये होती है WHIMPER, ये होती है विम्पर की स्पेलिंग WHIMPER, विम्पर का मतलब होता है कि बच्चे जैसे रोना। और ऑप्शन जो सी में दिया है विजडम, तो विजडम की स्पेलिंग जो होती है WISDOM, ये होती है विजडम की स्पेलिंग, मतलब होता है कि बुद्धि। तो यहाँ पे बिटनेस की स्पेलिंग अपने आप में करेक्ट थी, बाकी स्पेलिंग जो है मैंने आपको बता दी है। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें आपको गलत स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंट्राइगिंग, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंट्राइगिंग की स्पेलिंग जो होती है ये होती है INTRIGUING, ये होती है इंट्राइगिंग की स्पेलिंग, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए इंट्राइगिंग की स्पेलिंग करेक्ट जो है ये लिखी हुई है, यहाँ पे आपको गलत बतानी थी, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंट्राइगिंग मतलब होता है साजिश। और ऑप्शन जो ए में दिया है मैरिज, तो मैरिज की स्पेलिंग अपने आप में करेक्ट है, जिसका अर्थ होता है शादी। ऑप्शन बी में दिया है सेपरेट, सेपरेट मतलब होता है अलग। और ऑप्शन जो सी में दिया है सिम्फनी, सिम्फनी मीन्स होता है एक प्रकार की जो संगीत रचना होती है उसको बोलते हैं सिम्फनी। तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंट्राइगिंग की स्पेलिंग जो है अपने आप में गलत थी, स्पेलिंग जो करेक्ट है ये मैंने बता दी है, जिसका अर्थ होता है साजिश का। ऑप्शन डी
करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें आपको गलत स्पेलिंग बतानी है। तो गलत स्पेलिंग जो है ए ऑप्शन में दी है, तो ग्रामर की स्पेलिंग जो होती है GRAMMAR, ये होती है ग्रामर की करेक्ट स्पेलिंग। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ग्रामर की स्पेलिंग जो है अपने आप में जो है यहाँ पे गलत दी हुई है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रामर की करेक्ट स्पेलिंग जो होती है ये होती है जिसका अर्थ होता है व्याकरण। ऑप्शन जो बी में दिया है परमानेंट, परमानेंट मींस होता है स्थायी। ऑप्शन जो सी में दिया है डिसअप्रूव, डिसअप्रूव मींस होता है अस्वीकृति। और ऑप्शन जो डी में दिया है एलिगेशन, एलिगेशन मींस होता है कि आरोप। तो यहाँ पे ग्रामर की स्पेलिंग जो है अपने आप में गलत दी हुई है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग मैंने आपको बता दी है। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें आपको जो है करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो करेक्ट स्पेलिंग जो है चेंजेबल की है, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चेंजेबल मींस होता है अस्थिर। और ऑप्शन जो ए में दिया है इम्पेंडिंग, तो इम्पेंडिंग की स्पेलिंग अपने आप में जो गलत है, इम्पेंडिंग की स्पेलिंग होती है IMPENDING, इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग मींस होता है क्या, ये होता है उपस्थित। और ऑप्शन जो बी में दिया है अनसस्टेनेबल, तो अनसस्टेनेबल की स्पेलिंग जो होती है UNSUSTAINABLE, ये होती है अनसस्टेनेबल की स्पेलिंग। अनसस्टेनेबल का मतलब होता है अर्थहीन। ऑप्शन जो डी में दिया है इनसिग्निफिकेंट, तो इनसिग्निफिकेंट की स्पेलिंग जो करेक्ट होती है ये क्या होती है, तो INSIGNIFICANT, ये होती है इनसिग्निफिकेंट की स्पेलिंग। INSIGNIFICANT, इनसिग्निफिकेंट मींस होता है तुच्छ है। तो स्पेलिंग आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चेंजेबल की स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट दी हुई थी, बाकी तीनों स्पेलिंग मैंने करेक्ट आपको बता दी है। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें आपको जो है गलत स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे सरेंडर की स्पेलिंग जो है अपने आप में गलत है, तो सरेंडर की स्पेलिंग जो होती है SURRENDER, ये होती है सरेंडर की करेक्ट स्पेलिंग। सरेंडर मींस होता है कि आत्मसमर्पण। ऑप्शन जो ए में दिया है सकम, सकम मींस होता है कि मर जाना। और ऑप्शन जो बी में दिया है सक्यूलेंट, सक्यूलेंट मींस होता है कि रसदार। ऑप्शन जो सी में दिया है सक्सेस, सक्सेस मींस होता है सफलता। तो सरेंडर की स्पेलिंग आप लोग यहां पे देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मतलब कि आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो करेक्ट स्पेलिंग जो है बुके की यहां पे करेक्ट स्पेलिंग है जिसका अर्थ होता है फूलों का गुच्छा। तो बुके की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए। और यहां पे सी ऑप्शन में जो दिया है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी भी अपने आप में स्पेलिंग जो है करेक्ट है। आपको एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा कि आपको पूछे कि करेक्टली स्पेलिंग बतानी है, तो दो स्पेलिंग कभी भी करेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये टाइपिंग में मिस्टेक की वजह से यहां पे हो गया है, तो आप लोग इसको सही कर लीजिए। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी अपने आप में जो है जिसका अर्थ होता है आवृत्ति, ये भी स्पेलिंग अपने आप में करेक्ट है। और यहां पे बुके की स्पेलिंग जिसका अर्थ होता है फूलों का गुच्छा, ये भी स्पेलिंग अपने आप में करेक्ट है। और ऑप्शन जो ए में दिया है सीक्वेंस, तो सीक्वेंस की स्पेलिंग जो होती है ये होती है SEQUENCE, ये होती है सीक्वेंस की स्पेलिंग। तो यहां पे सीक्वेंस की स्पेलिंग आप लोग यहां पे करेक्ट कर लीजिए। और यहां पे सीक्वेंस मतलब होता है क्रम। ऑप्शन जो डी में दिया है एक्यूरियम, तो एक्यूरियम की स्पेलिंग जो होती है AQUARIUM, ये होती है एक्यूरियम की करेक्ट स्पेलिंग जिसका अर्थ होता है मछली घर। यहां पे बुके की स्पेलिंग और फ्रीक्वेंसी की स्पेलिंग दोनों करेक्ट हैं। सीक्वेंस की स्पेलिंग मैंने आपको करेक्ट बता दी है, एक्यूरियम की स्पेलिंग भी करेक्ट आपको बता दी है। तो यहां पे बी और सी दोनों यहां पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। यहां पे टाइपिंग की मिस्टेक की वजह से यहां पे दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें आपको जो है गलत स्पेलिंग बतानी है। तो यहां पे ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये गलत है। तो यहां पे चारों स्पेलिंग जो है अपने आप में करेक्ट हैं। करप्शन, करप्शन मींस होता है कि भ्रष्टाचार। ऑप्शन जो दिया है एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट मींस होता है अवतार, ये भी स्पेलिंग अपने आप में करेक्ट है। आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन की भी स्पेलिंग यहां पे गलत है जिसका अर्थ होता है पहचान। और ऑप्शन जो डी में दिया है डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन की स्पेलिंग जो है जिसका अर्थ होता है भेदभाव, ये भी स्पेलिंग अपने आप में करेक्ट है। तो यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग की वजह से, यहां पे तीनों स्पेलिंग नहीं, यहां पे चारों स्पेलिंग यहां पे करेक्ट हैं। आप लोग यहां पे देख लीजिए।
अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें आपको जो है गलत स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे गलत स्पेलिंग किस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लेरिफाई की स्पेलिंग जो होती है CLARIFY, ये होती है क्लेरिफाई की स्पेलिंग। क्लेरिफाई मीन्स होता है कि स्पष्ट करना। ऑप्शन जो बी में दिया है प्रोविजन, प्रोविजन मीन्स होता है कि प्रावधान। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, ये करेक्ट है। अटैक्ड की स्पेलिंग जो होती है, जिसका अर्थ होता है हमला करना, तो स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए। प्रमोट मतलब होता है कि पदोन्नति करना, तो क्लेरिफाई की जो करेक्ट स्पेलिंग है CLARIFY, क्लेरिफाई की स्पेलिंग होती है करेक्ट। तो क्लेरिफाई की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, क्लेरिफाई की ये करेक्ट स्पेलिंग है, जिसका अर्थ होता है कि स्पष्ट करना। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें आपको जो है गलत स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे गलत स्पेलिंग जो हो जाएगी, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इंटरफेयर की स्पेलिंग यहाँ पे जो है अपने आप में गलत है। तो इंटरफेयर की स्पेलिंग होती है INTERFERE, ये होती है इंटरफेयर की स्पेलिंग करेक्ट। इसका अर्थ होता है कि हस्तक्षेप, तो यहाँ पे गलत स्पेलिंग बतानी थी, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो बी में दिया है इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट मीन्स होता है कि निर्वाचन क्षेत्र। और ऑप्शन यहाँ पे दिया है सिलेक्शन, सिलेक्शन मीन्स होता है चयन। और ऑप्शन जो डी में दिया है एक्रीमनी, एक्रीमनी मीन्स होता है कि रूखापन या फिर कटुता। तो यहाँ पे इंटरफेयर की स्पेलिंग आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आपको जो है इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो आप लोग यहाँ पे सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इम्प्लीकेटेड की स्पेलिंग यहाँ पे गलत दी हुई है, तो इम्प्लीकेटेड की स्पेलिंग होती है IMPLICATED, ये होती है इम्प्लीकेटेड की करेक्ट स्पेलिंग। IMPLICATED, इम्प्लीकेटेड मीन्स होता है कि फंसा। ऑप्शन जो बी में दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन मीन्स होता है कि बलात्कार या फिर दबाव। और ऑप्शन सी में दिया है सप्रेशन, सप्रेशन मीन्स होता है दमन या फिर रुकावट। और ऑप्शन जो डी में दिया है प्रेशराइज्ड, प्रेशराइज्ड मीन्स होता है कि दबाव। तो यहाँ पे इम्प्लीकेटेड की स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट देख लीजिए आप लोग, ये स्पेलिंग अपने आप में जो है गलत है। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें आपको जो है गलत स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इरेशनल, की यहाँ पे स्पेलिंग जो है गलत दी हुई है। तो इरेशनल की स्पेलिंग होती है IRRATION, ये होती है इरेशनली करेक्ट स्पेलिंग, जिसका अर्थ होता है कि तर्कहीन, इरेशनल। और ऑप्शन जो ए में दिया है इरिटेबल, इरिटेबल मीन्स होता है चिड़चिड़ा। ऑप्शन जो सी में दिया है एप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन मीन्स होता है प्रशंसा करना। ऑप्शन डी में दिया है एस्केलेशन, एस्केलेशन मीन्स होता है वृद्धि। तो यहाँ पे इरेशनल की स्पेलिंग जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी आपको जो है गलत स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे गलत स्पेलिंग जो है मैसेंजर की, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। तो मैसेंजर की स्पेलिंग जो होती है MISSENGER, ये होती है मैसेंजर की करेक्ट स्पेलिंग, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जिसका अर्थ होता है कि संदेश वाहक। ऑप्शन जो बी में दिया है मसाज, मसाज मीन्स होता है कि मालिश। और ऑप्शन जो सी में दिया है MS मतलब होता है एकत्र करना। ऑप्शन जो डी में दिया है इमीडिएट, इमीडिएट मीन्स होता है कि तुरंत। तो यहाँ पे स्पेलिंग आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे मैसेंजर की स्पेलिंग जो है अपने आप में गलत थी। मैसेंजर की करेक्ट स्पेलिंग जो होती है MESSENGER, मैसेंजर मीन्स होता है कि संदेश वाहक। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी आपको जो है गलत स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे गलत स्पेलिंग जो है डायमेंशन की स्पेलिंग जो है यहाँ पे अपने आप में गलत दी हुई है। तो डायमेंशन की स्पेलिंग जो होती है DIMENSION, ये होती है डायमेंशन की करेक्ट स्पेलिंग। तो डायमेंशन मीन्स होता है कि परिणाम या फिर आयाम। तो डायमेंशन की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन जो ए में दिया है आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी मीन्स होता है कि विचारधारा। ऑप्शन सी में दिया है जोसल, जोसल मीन्स होता है कि झटका। और ऑप्शन जो डी में दिया है इलिटरेट मीन्स होता है कि अनपढ़। यहाँ पे डायमेंशन की स्पेलिंग गलत थी, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, इसमें भी आपको जो है इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेलिंग जो है किस ऑप्शन में दी हुई है, तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, ये क्वेश्चन अपने आप में गलत है। तो यहाँ पे जो है कमिटमेंट की स्पेलिंग अपने आप में जो है करेक्ट है। कमिटमेंट मीन्स होता है कि
प्रतिबद्धता, ऑप्शन जो बी में दिया है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट की भी स्पेलिंग अपने आप में जो है करेक्ट है, आर्गुमेंट मीन्स होता है तर्क, और ऑप्शन जो सी में दिया है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की भी स्पेलिंग अपने आप में करेक्ट है, और ऑप्शन जो डी में दिया है एग्जिस्टेंस, तो एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, तो ये भी स्पेलिंग अपने आप में जो है करेक्ट है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन यहाँ पे अपने आप में करेक्ट हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे जो है टाइपिंग की मिस्टेक की वजह से यहाँ पे गलत हो गया है। अगले जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें आपको जो है गलत स्पेलिंग बतानी है। तो गलत स्पेलिंग जो है सी ऑप्शन में यहाँ पे लिखी हुई है। बंगलो की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है BUNGALOW, ये होती है बंगलो की करेक्ट स्पेलिंग। बंगलो मीन्स होता है बंगला, तो बंगलो की स्पेलिंग देख लीजिए आप लोग, BUNGALOW, बंगलो, बंगलो मीन्स होता है बंगला। और ऑप्शन जो ए में दिया है इरिटेंट, इरिटेंट मीन्स होता है उत्तेजक, और बलून मीन्स होता है गुब्बारा। और ऑप्शन जो डी में दिया है एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन मीन्स होता है कि मिलावट। तो यहाँ पे बंगलो की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे सी ऑप्शन में यहाँ पे गलत स्पेलिंग दी हुई है, तो यहाँ पे गलत स्पेलिंग पूछी थी, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। बंगलो की स्पेलिंग होती है BUNGALOW, बंगलो मीन्स होता है बंगला, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें आपको जो है गलत स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए किस ऑप्शन में जो है गलत स्पेलिंग दी हुई है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी अपने आप में जो है गलत है, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक की वजह से यहाँ पे सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिस की स्पेलिंग भी अपने आप में करेक्ट है, जिसका अर्थ होता है कि अभ्यास, और यहाँ पे अरेंजमेंट की भी स्पेलिंग करेक्ट है, जिसका अर्थ होता है कि व्यवस्था। ऑप्शन सी में दिया है माइलेज, माइलेज मीन्स होता है कि फायदा, तो माइलेज की भी स्पेलिंग अपने आप में जो है करेक्ट है। और यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया है चेंजेबल, तो चेंजेबल की भी स्पेलिंग यहाँ पे जो है, जिसका अर्थ होता है कि अस्थिर, तो चेंजेबल की भी स्पेलिंग जो है अपने आप में करेक्ट है। तो यहाँ पे चारों स्पेलिंग जो है अपने आप में करेक्ट है, ये टाइपिंग की वजह से क्वेश्चन गलत हो गया है। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी आपको जो है गलत स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रिविलेज की स्पेलिंग जो होती है ये होती है PRIVILEGE, ये होती है प्रिविलेज की सही स्पेलिंग। तो प्रिविलेज मीन्स होता है कि विशेषाधिकारी। ऑप्शन जो ए में दिया है एलिगेटर, एलिगेटर मीन्स होता है घड़ियाल। ऑप्शन जो सी में दिया है एलिमनी, एलिमनी मीन्स होता है गुजारा। ऑप्शन जो डी में दिया है जुडिशियस, तो जुडिशियस मीन्स होता है न्याय संगत। तो यहाँ पे इसका प्रिविलेज की करेक्ट स्पेलिंग जो होती है आप लोग देख लीजिए, प्रिविलेज ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, सिलेक्ट द वर्ड विद द इनकरेक्ट स्पेलिंग, तो इसमें आपको जो है इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो आप लोग यहाँ पे सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहले विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।